हमारे लोकप्रिय प्रेस करेंगे और विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा जी का आज शिवसेना में पदार्पण हुआ है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ उसका। कि राजेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके बदौलत मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री के रूप में आपके सहयोग से खड़ा हूँ, और वरना मेरी जगह कोई दूसरा होता अरे लेकिन फिर तो आपको उन्होंने आपका मंत्री पद ही बर्खास्त कर दिया। ये बहुत ही देखिए, इसका जवाब तो जनता देगी। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या गलती थी, सच्चाई का रास्ता देखना या दिखाना या आईना दिखाना। मैं इतना ही कहूंगा कि आपने कहा था राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है, इसमें क्या आपकी गलती थी? ये तो आपने जनता के लिए आवाज उठाया था, और इसलिए मैं कहूंगा कि आपने मंत्री पद छोड़ा लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ी। पड़ेगा जल्दी ही आपके हमारे मंत्री उद्योग मंत्री महाराष्ट्र के यहाँ रुकेंगे, शाम के कार्यक्रम के अंदर इनको एम्बुलेंस भेंट करनी थी, वो एम्बुलेंस रास्ते के अंदर अजमेर के आसपास आ रहे थे हमारे यहाँ के लोगों के चैरिटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये एम्बुलेंस भी लेके आए थे महाराष्ट्र से, वो शाम तक पहुंचेगी। इसके अलावा आपके मार्गदर्शन में आप जिस तरीके से आप जमीन से उठ के और आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को साथ लेके छोटे छोटे कार्य जीरो से शुरुआत करके आप जिस तरीके आप शीर्ष स्थान तक पहुंचे हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिवसेना का परचम फहराया जाएगा, और ये इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, इस शुभ दिन पर मैंने आपका हाथ पकड़ा है, और इस जो शेखावाटी की धरती है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शहीद इस हमारी सरजमीन से हुए हैं। हमारे देश की हिफाजत करने में चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 65 का हो, चाहे 71 की लड़ाई हो, चाहे कारगिल की लड़ाई हो, हमारे प्रत्येक परिवार के अंदर यहाँ गांव-गांव में शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और ये धरती, ये शेखावाटी राव शेखा की धरती, ये राजस्थान, यहाँ का कण कण वीरों की वीरता से भरा पड़ा है। हम राजस्थान की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मीडिया के लिए बनाई गई है, हाँ। जोरदार तालियां बजती रह दीजिए आप लोगों के। यह उदयपुर वाटी के लिए और पूरे राजस्थान के लिए